जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन काफी टाइम पूछा जाता है। तो साथियों, आज हम बिल्कुल बेसिक से एक ही क्लास में आपका एपी जो है कम्प्लीट होने वाला है। यहाँ पर काफी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे, और उसके बाद में बेसिक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में फिर हम जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि एपी है क्या। तो साथ ही यदि हम देखें, यहाँ पर एक सीरीज आपको दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 और यहाँ पर 20, तो आपको एक सीरीज दी हुई है। तो ये सीरीज में यदि हम बात करें, एक कॉमन डिफरेंस है। क्या है भाई एक सीरीज में? इसमें कॉमन डिफरेंस है, कितने का? 2 का। तो जब भी कोई ऐसी सीरीज हो जिसमें कॉमन डिफरेंस हो, तो किसके अंतर्गत आती है भाई? वो एपी के अंतर्गत आती है। अब इसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है भाई? आपसे इनका सम पूछा जा सकता है, आपसे इसमें टोटल पद कितने हैं वो पूछे जा सकते हैं, इसमें आपका लास्ट टर्म क्या होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। भाई अभी तो दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज में 41 टर्म क्या होगा, तो आपसे ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपकी अभी सीरीज और भी हो सकती है, और भी सीरीज चेंज हो सकती है, तो अब आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो अब हमको कैसे निकालेंगे? तो पहले हम बेसिक चीज सीख लेते हैं, जो बेसिक जो आपके फॉर्मूला है वो क्या है। तो साथ ही फॉर्मूला होता है क्या? टी एन बराबर होता है किसके? कि ए प्लस का एन माइनस का 1 × d। क्लियर है भाई आपका? एक फॉर्मूला होता है। अब यहां पर टी एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो साथ ही यदि हम टी एन की बात करें, तो ये है हमारा लास्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म, जिसको हम हिंदी में बोले तो अंतिम पद, ये हमारा लास्ट टर्म। यदि हम ए की बात करें, तो ये है आपका डिफरेंस, डिफरेंस नहीं बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, सॉरी, ये है आपका, यदि ए की बात करें तो ए है भी हमारा क्या? प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म। क्लियर है? अब यदि हम एन की बात करें, तो एन क्या है? यहीं पर कंफ्यूजन होता है टी में, टी एन में और एन में। तो यहां पर जो टी एन मैंने आपको बताया वो क्या है भाई? अंतिम पद है, और यहां पर जो एन है ये है हमारे नंबर ऑफ टर्म, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या यहां पर इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो ये क्या है एन, वो है। क्लियर है आपका? और यहां पर यदि हम डी की बात करें, तो डी है डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो इनमें एक समान अंतर आ रहा है, यानी कि जो 2 है, तो ये क्या है भाई आपका? डिफरेंस डी। क्लियर है? तो इस सीरीज से हम काफी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्या भाई आपका? टी एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस 1 × d। क्लियर है भाई आपका? अब इससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं, हम क्या क्वेश्चन इससे आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। यदि आपसे इसी सीरीज में पूछ लिया जाए, आपको सीरीज नहीं दी हुई होती, कि आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द 28 टर्म, यानी कि 20वां पद बताइए, फाइंड द 28th पद, यानी कि आपको 20वां टर्म आपको बताना है कि 20वां पद क्या होगा। तो अब देखिएगा, इसमें हम रख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, यानी कि टी एन, यहां पर टी एन हमें बताना है कि 20वां पद क्या होगा। तो ए क्या है भाई यहां पर हमारा? 2, यानी कि फर्स्ट पद क्या है भाई हमारा? 2, यानी कि ए है आपका 2। अब यहां पर ए हो गया 2 प्लस ए की जगह एन, कितने है भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म? 20वां पद बताना है, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म हमें बताना, यानी कि तो 28वां टर्म हमसे पूछा है, तो यानी कि कितने पद हैं, टोटल कितने हैं? 20 पद हैं, तो यानी कि कितना हुआ भाई, n की जगह कितना हुआ 20 माइनस के 1 और इंटू में d, डिफरेंस कितना है भाई? 2 का डिफरेंस है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस का ये कितना आएगा भाई, 20 में से एक जाएगा 19 और 19 दूनी 38, तो ये हो गया 38, तो कितना हुआ भाई आपका यहाँ पर 38 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 40, तो आंसर कितना है अभी आपका 40। क्लियर है आपका? तो बहुत आसान है, अभी हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, ऐसे हमें नहीं करना है, आप इसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे, पहले आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हम इसको देखेंगे।
क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस यदि आप उनका बेसिक आपको क्लियर हो जाए तो आप शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप बना लेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक आप देखिएगा अपने आप से ही बना लेंगे और क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे। चलिए एक सीरीज हम और लेते हैं, सीरीज है आपका 3+3 आपका 6, 9, 12 एंड आपका 15 ... और आपसे पूछा गया है फाइंड द 10th टर्म, यानी कि दसवां पद। इस सीरीज का दसवां पद क्या होगा आपसे वो पूछा गया है। तो अब उसी सीरीज में हम रखते थे जो हमसे अभी पूछा गया था, यानी कि टी एन पूछा है हमसे, कौन सा भाई आपका टी 10 पूछा है हमसे, तो इक्वल्स टू यहां पर रखते थे भाई कितना ए कितना है भी हमारा 30 कहां से आ गया भाई हमारा 3 प्लस आपका एन कितना है भी आपका एन है आपका 10 30 भी हम बताएंगे क्यों आ गया दिमाग में है, क्योंकि वही चीज रहती है ना दिमाग में टीचर के दिमाग में तो सीधा आंसर रहता है। तो 10 माइनस के 1 इनटू में डी कितना है, डिफरेंस कितना है यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 3 का। अब यहाँ पर कितना हुआ भाई 3 प्लस के यहाँ से 10 में से एक जाएगा तो कितना हुआ 9 और इनटू में 3 तो यहाँ पर कितना हुआ 27 और 3 कितना हुआ भाई आपका 30। मैंने अभी बताया ना आपको टीचर के दिमाग में सीधा आंसर ही रहता है तो कितना आ गया 30। तो आप भी क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाएंगे, कैसे आंसर लगाएंगे अब हम आते हैं सीधे आंसर पे। साथियों इसमें आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप की सीरीज आपको दी हुई होगी जैसे कि अब आपको हम एक सीरीज और लिखते हैं यहाँ पर, तो आप उसका देखते ही आंसर लगाएंगे। कैसे आंसर लगाएंगे देखिएगा ट्रिक, आपको ट्रिक पसंद आएगी। ट्रिक क्या है भाई आपका सीरीज दी हुई है 4, 8, 12, 16 ... और आपसे पूछा जाए फाइंड द 28th टर्म, आपसे 20वां पद पूछा जाए। तो आप क्या करेंगे आंख बंद करके आंसर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जो आपका फर्स्ट पद है, क्या है भाई आपका जो फर्स्ट पद है वो क्या है 4 और डिफरेंस भी आप देखेंगे इसमें इतने का ही डिफरेंस आ रहा होगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई यहाँ पर 4 का, यहाँ पर कितने का आ रहा है 4 का, यहाँ पर कितने का आ रहा है 4 का। यदि ऐसा है तो आपको करना क्या है, और 99% केसेस में ऐसा ही होता है, तो आपको करना क्या है जो आपका फर्स्ट टर्म है, क्या भाई फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 4, उसको आपसे जो पूछा जाए कौन सा पूछा जा रहा है 20वां पद पूछा जा रहा है, यानी कि 20वां पूछा जा रहा है, उससे आपको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 4 × 20 तो कौन सा पद होगा भाई आपका कितना होगा भाई आपका 80 होगा आपका आंसर। बस आपको इतना करना है, बस आप डायरेक्ट क्या कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना आ गया 80। अब आप यहां पर देख लीजिए तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी थी भैया 10 से, किससे करनी थी 10 से, तो कितना आंसर आ गया भाई आपका 30 जो हमारा ये यहाँ पर आ रहा था। तो अब आपको ट्रिक समझ में आ गई, बहुत ही आसान लगी आपको ट्रिक, तो आप आग बंद करके बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है हम बात करते हैं उसकी। तो साथियों ट्रिक यदि आपको अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके तो आप बताते ही नहीं है, शायद इसमें भी खर्चा होता है आप लोगों का, तो यदि खर्चे के लिए बोलते हैं तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, तो लाइक और शेयर कमेंट तो कर सकते हैं, इतना तो बनता है यदि आप क्लास ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी सीरीज है भाई वही 2, 4, 6, 8, 10 और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 40 और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि इस सीरीज में टोटल कितने पद होंगे, यानी कि इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। इस बार आपको क्या दिया भाई टीएन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, यानी कि एन की वैल्यू पूछी है। तो वही हम रख देते हैं भैया एन की वैल्यू किसमें भैया, हमें टीएन बराबर क्या होता है जो हमने पढ़ा है, टीएन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस के 1 इनटू में डी। तो अब हम इसमें रख देते हैं तो चलिए भैया यहाँ पर TN हमें दिया हुआ है कितना भाई 40 इक्वल में A कितना है हमारा 2 है प्लस N कितना है हमसे पूछा है N माइनस के 1 और D कितना है हमारा डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कितना भी यहाँ पर हमारा 2 का डिफरेंस है, क्लियर है भाई यहाँ पर आपका सबमिट 2 का डिफरेंस आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 40 इक्वल में कितना आया भाई आपका 2 को
यहाँ पर हम जो 2 है इसको हम कहाँ ले जाएंगे भाई, इधर 40 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या बचेगा n, हम इसको कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई, या अभी नहीं करते, n माइनस 1 इंटू में 2 ऐसी रहने देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई आपके 38 इक्वल में n माइनस के 1, और यहाँ पर जो 2 है 2 से आप हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा भाई 19 क्या हुआ भाई n माइनस के 1, तो ये 1 क्या है इधर चला जाएगा, तो इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितना आएगा 20। तो ये आपका आ गया आंसर, क्लियर है भी आपका। अब आप करेंगे सर इतना लंबा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, लेकिन शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले कंडीशन वही है कि आप जब तक कम से कम 10 लोगों को शेयर नहीं करेंगे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, फालतू लोगों को नहीं, जिसको इस क्लास की रिक्वायरमेंट है जो स्टडी कर रहे हैं तब तक नहीं बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। चलिए बता देते हैं यार, आप तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना है, जैसे वहां पर क्या करनी थी मल्टीप्लाई करनी थी, यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है डिवाइड करना है, क्या करना है भी आपका डिवाइड, जब आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में आप देखिएगा फर्स्ट पद से लास्ट पद को क्या कर देते हैं डिवाइड, तो यानी कि 40 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना है भाई 20, सीधा आंसर आप निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर आप निकालेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यानी कि ये फालतू की रामलीला आपको नहीं करनी है, आपको करना है लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे और कहानी खत्म, जय हिंद। क्लियर है भाई? चलिए क्लियर है तो आपको मजा आया होगा, मजा आया है तो आप लाइक तो करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी कह रहे होंगे सर ने पता नहीं क्या लाइक लगा रखा है कि लाइक करो, अरे चलो कोई नहीं भाई, लाइक इसलिए लगा रखा है क्योंकि यदि हम रात को 11 बजे आपके लिए क्लास ले रहे हैं तो इतना तो बनता है, लेकिन अब नहीं कहेंगे। चलिए अब आपसे पूछा जाता है भाई आपसे कि 2 + 4 + 6 + 10 + 20 .. और आपसे पूछा जाता है फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म, यानी कि 20वें पद तक आपको क्या बताना है, सम बताना है इस सीरीज का। तो जब भी आपसे किसकी बात करी जाएगी, सम की, सम पूछा जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है भाई, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले की पहले हम बात करेंगे, तो एस एन बराबर जो होता है यानी कि सम जो होता है, अब उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपका भाई एन अपॉन में 2 ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर क्या होता है भाई 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ये पद आपको सब पता है कि n क्या है, a क्या है, d क्या है, ये बिल्कुल क्लियर है, इनको मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब यहाँ पर सम निकालना है तो सम निकालते हैं हम इस सीरीज का भाई, इस सीरीज का सम निकालने दिखाते हैं। तो सम क्या है भाई आपका यहाँ पर n, सॉरी यहाँ पर n क्या है भाई आपका, कितने टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने भाई 20, यानी कि 20/2। यहाँ पर a क्या है भाई आपका 2, यानी कि 2 इंटू में 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 20 माइनस का 1 इंटू में डी, डिफरेंस कितना भी वो भी आपका 2 है, कितना भी डिफरेंस भी आपका 2 है। चलिए ये कितना आया भी आपका 10 आया, यानी कि 10 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना आया भी आपका 4 प्लस आपका ये कितना आ जाएगा भाई आपका 19 इंटू में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो गया आपका 10 और यहां पर कितना हो जाएगा भाई 19 × 2 = 38 और 2 कितना हो जाएगा भाई आपका 42, यानी कि टोटल कितना निकल के आएगा भाई यहां से इंटू में 42, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 420। आंसर भी कितना आ रहा है भाई आपका 420, 420 आ रहा है आंसर भी, देख लो आप, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल सा है। यहां से यदि आपका सम पूछा जाता है किसी भी सीरीज का, तो सम के लिए आपका क्या है भाई एस एन बराबर होता है क्या एन बटे 2 और ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से आप इसका सम निकाल सकते हैं, आपसे किसी भी टर्म का किसी भी सीरीज का आपको सम पूछा जाए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन का टाइप, तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में, बनता इसी से ही है क्वेश्चन, अब वो कैसे बनेंगे देखिएगा। चलिए अब हम आते हैं उस पर, तो साथियों आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ी होगी जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी बहुत अच्छे से। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई आपकी, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है और पूरा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यदि आपकी प्राकृतिक संख्याएं आपको दी हुई है यानी कि आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और .. + 50 तक,
तो अब आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज का सम क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले तो एक कॉमन सी चीज आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। क्या कॉमन सी चीज क्लियर करता हूँ भाई, कि यहाँ पर आपका जो लास्ट टर्म होगा, यानी कि लास्ट टर्म क्या है भाई आपका 50 है, यानी कि लास्ट टर्म यानी कि क्या भाई आपका टी एन बराबर कितना है भाई 50। और यहाँ पर यदि एन की बात करें यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यदि हम टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो वो भी क्या होगा 50 होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है भाई सीक्वेंस से चल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो प्राकृतिक संख्या में आपका जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वही आपका लास्ट टर्म होगा। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं आपका एस एन। यदि हम यहाँ पर बात करें एस एन का, अभी 50 छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पर हम बात करते हैं एन पद तक, यानी कि एन टर्म तक। तो यहाँ पर एस एन क्या होगा भाई, एन अपॉन 2। क्लियर है भी आपका। अब ब्रैकेट में क्या होता है भी आपका 2a, 2 इंटू में a क्या है भी आपका 1 है, यानी कि a क्या है भी इस सीरीज में आपका 1, आपका प्लस क्या है भी आपका n माइनस वन इंटू में क्या है भाई डी, डिफरेंस कितने का भी आपका 1 का, डिफरेंस कितने का भी आपका 1 का है, तो डिफरेंस हो गया क्या भी आपका 1। क्लियर है भी आपका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो एस एन आगे क्या आया भी आपका n अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा भी आपका, ये यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपका 2 हो जाएगा, प्लस ये n इसकी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस का 1। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ भाई, एस एन बराबर किसके हुआ भाई n अपॉन 2। अब यहाँ पे 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तो कितना बचेगा भी आपका प्लस का बचेगा, क्या बचेगा n प्लस 1। क्लियर है भी आपका, ये बचेगा इसमें से, तो ये हो गया आपका एस एन, यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम। n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा सम भाई, n n प्लस 1 अपॉन में 2, या कह सकते हैं n अपॉन में 2 और n प्लस 1, या आप इसको टोटल के नीचे लगा सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर है भी आपको, बहुत आसान है, यानी कि ये हमने किससे निकाला है, इसी से निकाला है, आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी बात की हुई होगी भाई, n प्राकृतिक संख्याओं की बात की हुई होगी, यानी कि जब हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याओं के सम की यदि हम बात करें तो वो सम क्या होगा भाई आपका n अपॉन में 2 और आपका n प्लस 1, या हम बोले n n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है भाई आपका, बहुत आसान है। अब यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, अभी आपको ध्यान रखना है सिर्फ इतना, ये एस एन बराबर क्या होगा n n प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये सीरीज आपको दी हुई है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ... और कहां तक 20 तक, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, यानी कि इस सीरीज का आपको सम बताना है। तो बहुत आसान है, वही है, क्या करना है भी आपका n, और n क्या है भी आपका n आपका है 20 और ब्रैकेट में 20 प्लस 1 अपॉन में 2, तो कितना हुआ भाई 2 से कट जाएगा कितने बार 10 टाइम जाएगा और कितना हुआ 21 यानी कि 210। आंसर कितना हुआ भाई आपका 210। क्लियर है भाई आपका, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। क्लियर है भाई आपका। अब और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन है आपका प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। साथियों राइटिंग पे तो बिल्कुल मत जाइएगा, राइटिंग तो बहुत सुंदर है, आपको दिख रही होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम, क्या बोले प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है अभी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो अभी हमारी सीरीज चल रही थी, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है और जो भी हमारी एंड नंबर तक जहां तक भी हमारी जाती है वहां तक जा सकती है, तो बस वही है प्राकृतिक संख्या, यही हमसे पूछा जाता है। तो अब हमसे क्या पूछा गया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो वही सिंपल सा है 20 अपॉन में 2 और क्या हमारा 20 प्लस 1,
क्लियर है। तो ये कितना हो गया, यहाँ से दो से काटेंगे तो कितना है यहाँ पर 10, और कितना हो गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा भाई आपका 10 इंटू में 21, तो यानी कि 210। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ से आपसे जो भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कितने का भाई 40 का, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, बहुत ही सिंपल है, क्या भाई 40, तो यानी कि 40 अपॉन में 2 और कितना भाई 40 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर कितना आएगा आपका, ये आ गया 20, तो यानी कि 20 इंटू में कितना हो गया भाई 41, ये कितना आएगा भाई आपका यहाँ पर इंटू में 41, तो कितना हो जाएगा भाई 41 आपका कितना होगा 82, यानी कि 420। क्लियर है भाई आपका, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी इसमें टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें आप यानी कि शॉर्ट ट्रिक की यदि हम बात करें तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करना है भाई आपको, जो ये दे रखा है इसका हाफ कर लेंगे 20 और इसमें एक बढ़ा के उसमें क्या कर देंगे उसकी मल्टीप्लाई, यानी कि 41, तो ये आपकी इसकी बन गई शॉर्ट ट्रिक। बस इतना आपको करना है, यानी कि इसको हाफ करके जो आपका नंबर दे रखा है उसमें एक और बढ़ाकर आप उनकी क्या कर देंगे दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर आप चीजों को समझ गए होंगे, बेसिक सा कंसेप्ट है। यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं का, कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है भी आपका, बस इतना सा आपको कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करके आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन का टाइप। तो यहां से और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसको हम कैसे करें, और करने का बहुत साधारण सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है भाई देखिएगा, अब आपको दे रखा है भाई, आपको बता रहे 6 + 7 + 8 + 9 और आपको प्लस का डॉट 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 आपको बताना है कहां तक भाई 50 तक, इसका बताना है सम। क्या बताना है भाई, सीरीज का सम बताना है। तो सीरीज तो आपकी क्या है भाई, आपकी है तो आपके प्राकृतिक संख्या ही, लेकिन प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन कहां से स्टार्ट नहीं है, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो अब हम कैसे करें, तो अब तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको सॉल्व करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या बना लेते हैं, बना सकते हैं प्राकृतिक संख्या, नहीं हम इसमें प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 1, तो ये बन गई प्राकृतिक संख्या, हमने इतना और पार्ट ऐड कर दिया इसमें। क्लियर है भाई आपका, तो अब आपकी ये पूरी प्राकृतिक संख्या की सीरीज बन गई। अब ये बन गई तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो अभी तक हम करते हुए आए हैं, क्या करते हुए आए भाई, वही हमें करना है। क्या किया था अभी हमने, यानी कि जो हमारा 50 है, 50 अपॉन में 2 और कितना भाई 50 प्लस का 1। क्लियर है आपका, तो अब आप लेकिन हमें तो जो पूछा है वो यहां से पूछा है, तो क्या हम यदि इसमें से और इस वाली को, ये भी तो एपी है हमारी, इस वाली में से इसको घटा दे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि टोटल जो हमारा आ रहा है ये क्या है, टोटल का आ रहा है, टोटल में से इसको घटा दे तो यही तो रह जाएगा, तो बस वही हम कर देते हैं, यानी कि ये टोटल का आ रहा है एक तरीके से, और इसमें से हमने माइनस कर दिया, ये किसकी है, पूरी सीरीज की है, लेकिन पूरी का तो हमें नहीं बताना, हमें बताना है इतनी का, तो इतने पार्ट को हम इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया इस वाली सीरीज को, इस वाली सीरीज को किया तो हमने क्या हुआ भाई, इसमें लास्ट टर्म क्या है आपका 5 है, 5 अपॉन में 2 और कितना भाई 5 प्लस के 1। क्लियर है, चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहां से कितना आएगा भाई आपका, 50 में से करेंगे तो 25 इंटू में कितना 51 माइनस के, यहां पर कितना आएगा भाई 6 आ जाएगा, तो यानी कि 6 से कितने बार 3, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो ये कितना आएगा भाई 25 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 51 में, तो ये बैठेगा 1275 माइनस के, ये कितना है भाई आपका 15, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया भाई 1260, ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर है भी आपका, तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान है, यानी कि हम उस सीरीज को पूरा कर लेंगे। हो सकता है सीरीज 6 से ना, यहाँ पर कहाँ से शुरू होती है, 15 से शुरू होती है, यानी कि 15 आपका प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 तो इस टाइप से, और कहाँ तक होती, 100 तक होती, और आपसे पूछा जाता है इस सीरीज का सम बताइए, तो आप क्या करते इस सीरीज को पूरा कर लेते। पूरा कैसे कर लेते भाई, आपका 1 से लेके 1 प्लस के 2 प्लस के कहां तक आप कर लेते, प्लस 14 तक, और इस पूरी सीरीज का हम निकालते हैं और उसमें से इस 14 वाले को माइनस कर देते हैं। क्लियर है भाई आपको, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये इतना सा जो लॉजिक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ है तो एक बार जय जयकार लगा दीजिएगा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि एक ही क्लास में जितने भी एपी के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन में आपको कवर कराने वाला हूँ एक एक टाइम। तो साथियों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। आपको कोई सीरीज दी हुई है, सीरीज दी हुई है क्या अभी आपका 1+3+4 आपका 5+7+... यानी कि आपको जो सीरीज दी हुई है किसकी सीरीज दी हुई है अभी आपका N2N17। यानी कि आपको इस सीरीज का क्या बताना है, सम बताना है। क्या बताना है अभी आपको, इसका सम बताना है। तो ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है अभी आपकी, विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है अभी आपकी, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या आप इस सीरीज को भूल जाएंगे, सीरीज को मत लिखिएगा। तो आपसे जब भी पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, या आपसे 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, जब भी किसकी बात आए, विषम की, तो बहुत ही सिंपल है। कुछ आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यानी कि कुछ भी नहीं करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, बस क्या करना है आपको, एन स्क्वेयर करना है। क्या करना है, एन का स्क्वेयर, यानी कि जो आपको संख्या दी हुई है उसका स्क्वेयर करना है बस। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया क्या भैया, आपसे पूछा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या होगा भैया आपका, 20 का स्क्वेयर यानी कि 2 × 4 कितना भैया आपका, 400। ये हो गया आपका आंसर, बस आपको इतना करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिखेगा और डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। क्लियर है आपको, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगाएंगे। यानी कि आपसे पूछा जाएगा क्या, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम आपका जो फर्स्ट ऑड 25 नंबर है तो वहां तक आपको योग बताना है। तो क्या करना है भी आपको, बहुत सिंपल, 25 का स्क्वायर कितना हो भी आपका, 25 का स्क्वायर 625। तो यही आपको करना है, सिर्फ इतना सा आपको बताना है। यानी कि जब आपसे पूछा जाएगा विषम का तो आपको क्या करना है भी, उसका स्क्वायर करना है, सीधा सिंपल सा है। अब किसकी बात करें, यदि हम बात करें सम की, जब बात आती है सम की तो यहां पर आपसे पूछा जाता क्या भाई, प्रथम 25 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो साथियों सम में क्या होगा, बस एक चीज चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सम में हो जाएगा। ये यहां पर क्या था, एक तरीके से n इंटू एन था, अब यहां पर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, सिर्फ इतना हो जाएगा भाई। यहां पर तो ये था विषम में, क्या था भाई, विषम में ये था, तो सम में क्या हो जाएगा भाई आपका, सम में ही हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1, क्योंकि ये क्या बना था n स्क्वायर, तो n स्क्वायर तो बना है, तो ये था। अब यहां पर इसमें क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, बस सीधा सा यही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपसे पूछा जाता प्रथम 20 क्या, प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो क्या करना भैया, यानी कि सम है तो आपका n कितना भी आपका 20 इंटू में 21, तो 21 × 2 कितना हुआ भी 42, यानी कि 420। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है भी आपका, बहुत आसान है, आसान है तो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भी आपका, यहां से जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको अब आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है भी आपको, क्लियर है तो एक बार जय जयकार लगा दीजिए। जय जयकार कैसे लगेगी आपका, लाइक और शेयर करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो थोड़ा सा टफ आने वाला है और टफ के बाद में फिर आपका आसान भी होगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। अब आपको सीरीज दी जाती है इस टाइप से, क्या दिया जाता है भाई आपका, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर आपका +4 का स्क्वायर + ...... और आपका कहां तक भी आपका 20 का स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज का सम क्या होगा। साथियों है तो आपकी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहां तक आपका 20 तक, लेकिन क्या है, स्क्वायर है, तो अब तो बड़ी समस्या हो गई। तो स्क्वायर का जब भी आ जाए, तो स्क्वायर के लिए आपको क्या याद रखना है, जब भी आपका इस सीरीज का सम पूछा जाएगा तो सम होगा आपका n + 1 और आपका 2n + 1 अपॉन में क्या 6। आपको ये याद रखना है किसके लिए भैया, स्क्वायर के लिए, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्लियर है भैया आपको, क्या
एन एन प्लस वन, यहां तक तो चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में क्या है, टू एन प्लस का वन अपॉन में सिक्स। अब यदि हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर कैसे निकालेंगे भाई, सीधा सिंपल सा वही है, क्या करना है भाई, n n कितना है भाई आपका 20 है, और कितना हो भाई 20 और 21 हो जाएगा, ये 21 इंटू में ये कितना हो जाएगा भाई, n कितना है 20 और 20 कितना हो जाएगा भाई आपका 41 हो जाएगा, यानी कि 20 दूनी 40 और 1 41, क्लियर है भाई आपका। अब इसके हमें मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर है भी आपका, अपॉन में 6 भी है, याद रखिएगा 6 है तो आपका 2 से कटा कितने बार जाएगा भाई, आपका 2 से कटेगा 10 टाइम्स, तो यहाँ पर कितना है 3, और 3 से कटेगा कितने बार जाएगा 7, क्लियर है भी आपका। तो ये कितना होगा 70 इंटू में कितना भाई 41, तो ये आपका आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो सात, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, और कितना हो गया भाई आपका 0, यानी कि 2810। तो ये होगा आपका इनका सम, क्लियर है भी आपका। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको ये चीज याद रखनी है कि इसके लिए सम के लिए क्या होगा भाई आपका n, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो ये होगा आपका यदि प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, स्क्वेयर होगा, यानी कि वर्ग होगा। अब आपके क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो यानी कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ पर यानी कि 20 के लिए क्या बोल रहा है भाई, वो 25 बोल रहा है, 25 बोल रहा है, तो वो हमें रख दे रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है भी आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं, यदि बात आ जाए किसकी भाई, यहाँ पर स्क्वायर की नाप है और बात आ जाए किसकी भाई, घन की, यानी कि क्या हो इनके, घन हो। तो अब आपका यहाँ पर आपको दिया हुआ हो कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस, और आपका डॉट डॉट डॉट, और कहां तक चल रहा है भाई, 10 की पावर 3 तक, कि अब इसका आंसर क्या आएगा। तो साथियों इसका जो है बहुत आसान है, इसका हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि घन वाला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, संख्या तो आपकी प्राकृतिक संख्या है भाई, 1 2 3 4 5 6, अब उनका क्या हो रहा है, घन हो रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं की यदि हम बात करें, प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा योग आता था, आपसे इस सीरीज का योग पूछा जाएगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या आता था भाई आपका, एन एन प्लस क्या आता था भाई आपका, एन और n प्लस 1 अपॉन में 2, यही आता था भाई आपका। तो अब आपसे यदि पूछा जाए घन का, तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है घन के लिए, इसका कर देना है स्क्वायर, क्या कर देना भाई इसका, स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है भाई आपका। क्या कर देना है आपको इसका, स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका हम आंसर क्या करते हैं भैया, एन एन प्लस 1, तो यानी कि एन कितना भी आपका 10, कितना भी आपका 10 और 10 प्लस का 1 और अपॉन में कितना भाई आपका 2, तो यहां से कितना आएगा भाई, 2 से कितना आ जाएगा 5, अब 5 आ जाएगा तो यानी कि ये कितना हो गया भाई 11, 11 पंजे कितना हो भाई आपका 55, कितना हो भाई आपका 55, 55 का क्या हुआ स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर हमें निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ इतना आपको करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कितना आसान है घन, घन में क्या करना है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग आता है उसका स्क्वायर कर देना है, सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है। तो घन का आपका बहुत आसान है, आपका जो प्राकृतिक संख्याओं का आप उसको निकालेंगे और उसके बाद में क्या कर देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साथियों आज की क्लास काफी बड़ी हो गई है, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं यानी कि प्रैक्टिस के लिए, तो उसको हम आपका जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, जो प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, तो उसमें आपको उनको कवर कराएंगे, मैक्सिमम चीजें आपको कवर करा दी है। यदि अभी भी आपको यहां से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम आपको जरूर आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।